हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेफ़्ट ओवर रोटी की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस एंड बहुत ही यम्मी और बहुत ही कम समय में बन करके तैयार होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि मैं लेफ़्ट ओवर रोटी से रेसिपी किस तरह से बनाती हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक कप बेसन लिया हुआ है। ये टोटल मेज़र करेंगे आप तो एक कप बेसन होगा। आप किसी भी बाउल या किसी भी कप कटोरी से यहाँ पे मेज़रमेंट कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है नमक, नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाला है जीरा, और ये मैंने यहाँ पर डाला है एक चम्मच चाट मसाला। और अब यहाँ पर जाएगा रेड चिली पाउडर, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से वाटर के साथ मिक्स कर दूंगी। हमें इसकी एक गाढ़ा पेस्ट की तरह तैयार करना है। इसे आप अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए और अच्छे से फेंट लीजिए इसको, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर जो है वो तैयार करना है। और इसमें मैंने डाला है ग्रीन चिली, बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है मैंने इसे। और उसके बाद मैंने इसमें वो डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने कुछ कैप्सिकम शिमला मिर्च का यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने प्याज डाला है। दो प्याज मैंने लिए हुए थे, इन सभी को मैंने अच्छे से कट करके यहाँ पर मैंने डाल दिया। और ये मैंने डाला हरी धनिया पत्ती, और इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद मैंने इस ग्लास से एक ग्लास पानी का फुल यूज़ किया हुआ है एक कप बेसन के लिए, और मैं इन्हें इन सभी को एक साथ मिला दूँगी। ये देखिए अच्छे से बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है तवा, ये लोहे का तवा है। आप इस पर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, इस पर ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसे मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही क्रिस्पी बने। और ये मैंने ली हुई है रोटी, और रोटी के ऊपर मैंने जो पेस्ट तैयार किया था उस पेस्ट को मैं इस तरह से लगा दूँगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ऑमलेट के स्वाद भी आप भूल जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने सभी रोटी पे इस तरह से पेस्ट को लगा दिया है। और अब हम इस तवे पे इस रोटी को डालेंगे। बहुत ही केयरफुली डालिएगा, क्योंकि उड़ सकता है जब हम रोटी को तवे पे डालेंगे तो तेल जो है वो शटर करते हैं। तो इसलिए बहुत ही आराम से इसे डालिएगा। और उसके बाद हम रोटी के बैक साइड पर भी वही पेस्ट लगा देंगे। इसे भी हम पूरी तरह से कवर कर देंगे, ताकि ये ना पता चले कि ये नाश्ता हमने रोटी से बनाया हुआ। और ये बच्चों एंड बड़ों दोनों को बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही यमी लगने वाले हैं। अक्सर लेफ़्ट ओवर रोटी हो जब बच जाती है तो हम सोचते हैं कि हम उसे उसका क्या करें, तो आप इस तरह से उसका रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी एंड यमी ब्रेकफास्ट बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। मैंने ये रेसिपी 3 रोटियों से बनाई हुई थी, तो बहुत ही टेस्टी एंड मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आई। तो एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए इसका कलर एंड कितना बढ़िया बनकर ये तैयार हो चुका है। और इस तरह से साइड साइड से आप ऑयल डाल दीजिएगा, ताकि जो है ये दोनों साइड से बहुत ही क्रिस्पी बनकर के तैयार हो जाए। तो देखिए बहुत ही कम समय में एंड बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनकर के रेडी हो गया था। उसी तरह मैंने 3 रोटी का ये नाश्ता बना लिया था सेम प्रोसेस से, सेम वे में। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें एंड मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें कि आपको ये रेसिपी किस तरह कैसी लगी। मैं इसे भी इसी तरह टर्न कर लूँगी और इसे भी इसी तरह सेक लूँगी। अब चलते हैं हम इसकी प्लेटिंग करने के लिए। नाश्ता हमारा हो चुका है रेडी। तो ये देखिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया, और इसे हम इस तरह से कट कर देंगे, ताकि हम इसे ईज़िली खा सकें। और इसका लुक भी जो है वो देखने में अच्छा है। ये देखिए, आप इसे मिनी पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं। और इसके ऊपर हम डाल देंगे कुछ धनिया पत्ती, और चटनी के साथ इसे सर्व करिए एंड मज़े करिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर टैप कर दीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नाश्ता जो है बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसी तरह मैंने 3 रोटी का जो भी नाश्ता बनाया हुआ था, मैंने इस तरह से प्लेट में कट करके लगा लिया है।
तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए एंड मेरे वीडियो को देखते रहिए एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास डेली आती रहेंगी। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।